और देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है अमेठी और रायबरेली की सीट। लेकिन क्या अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस का कहना है कि तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो वहीं अमेठी में बीजेपी की तरफ से पर्चा भर चुकी स्मृति ईरानी डंके की चोट पर कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी में आए और मेरे साथ मुकाबला करें, जबकि बीजेपी ने भी अब दिनेश प्रताप को उतार दिया है और तस्वीर पूरी साफ कर दी है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अपनी पारंपरिक सीटों पर भी उसे इतना जूझना पड़ेगा, इतना सोचना समझना पड़ेगा। अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस इतनी कंफ्यूज है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो यहां से परिवार के किसी सदस्य को उतारे या फिर किसी और को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कुछ इस अंदाज में तंज कसा है। दोनों जगह से अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए और अब ये कहा जा रहा है, सूचना आ रही है कि दोनों लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, दोनों सीट में ना राहुल लड़ेंगे ना प्रियंका। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनके उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं, मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। अटकलें ही लगाई जा रही हैं, सूत्रों से ही छन छन कर खबरें आ रही हैं। खबर है कि आज देर शाम तक अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सूत्रों पर यकीन करें तो राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, तो वहीं प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहती। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस चुनाव समिति ही करेगी। अमेठी जो कभी कांग्रेस परिवार का गढ़ मानी जाती थी, वो आज सियासी भय का सबब बन चुकी है। राहुल गांधी ने 2004 से लगातार इस सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन 2019 में मोदी लहर में उन्हें यहां से बेदखल कर दिया गया था। स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से शिकस्त देकर कांग्रेस पार्टी के मन में भय डाल दिया है, जिसके बाद राहुल केरल की वायनाड सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। खबर आई थी कि राहुल वायनाड में मतदान के बाद अमेठी आने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। स्मृति लगातार उन्हें ललकार रही हैं। अमेठी गांधी परिवार का सियासी रसूख बयां करती है। ये वो सीट है जहां से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य मैदान में आ जाए तो उसे हराना नामुमकिन सा था। दरअसल 1967 में बनी लोकसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। 1980 से है कांग्रेस का दबदबा। पहली बार संजय गांधी जीते, तीन बार राजीव गांधी सांसद रहे, 1999 में सोनिया गांधी जीती, 2004 से तीन बार राहुल गांधी जीते, 2019 में स्मृति से राहुल गांधी हारे। अमेठी से कांग्रेस की जीत का सिलसिला मोदी लहर में टूट गया। 2019 में मोदी मैजिक काम कर गया और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 1,07,000 से ज्यादा वोटों से मात दे दी और कांग्रेस का किला छीन लिया। 2019 में अमेठी हाथ से गई, राहुल ने वायनाड से जीतकर अपनी सांसदी बचाई, लेकिन इस बार फिर से स्मृति ईरानी ललकार रही हैं। सोमवार को जोरदार तरीके से उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया। अमेठी में ऐसा माहौल बना दिया मानो यहां से कांग्रेस की वापसी लगभग नामुमकिन सी हो गई है। गांधी परिवार अमेठी की हार भुला नहीं पा रहा और अब तो उसे रायबरेली को लेकर भी डर सताने लगा है। प्रियंका को यहां से उतारें या ना उतारें, इसे लेकर अंदरखाने खूब चर्चा चल रही है। अमेठी की ही तरह रायबरेली भी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन क्या मोदी के 400 पार वाली लहर से कांग्रेस डर गई है? क्या कांग्रेस को रायबरेली का किला भी हाथ से जाने का भय सताने लगा है? क्या इसलिए गांधी परिवार के सदस्य यहां से मैदान में उतरने से कतरा रहे हैं?
कई सवाल हैं, लेकिन पुख्ता जवाब अब तक नहीं। कांग्रेस कहती है कि आलाकमान अमेठी और रायबरेली को लेकर विचार कर रहा है, तो बीजेपी कांग्रेस के कंफ्यूजन पर तंज कस रही है। रायबरेली वो सीट है जिसकी नुमाइंदगी कभी इंदिरा गांधी किया करती थी, तो सोनिया गांधी के आगे इस सीट पर विरोधी कभी टिक नहीं सके। रायबरेली की बात करें, 1957 से कांग्रेस का दबदबा, 1957 में फिरोज गांधी जीते, 1960 उपचुनाव में कांग्रेस के आरपी सिंह जीते, 1971 में इंदिरा गांधी की जीत हुई, 1980 उपचुनाव में कांग्रेस के अरुण नेहरू जीते, 1980 आम चुनाव में इंदिरा गांधी फिर से जीती, 1996 से 98 तक बीजेपी के अशोक सिंह जीते, 1999 में कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा जीते, 2004 से सोनिया लगातार सांसद रही। डर की यही वजह भी है, कांग्रेस अपने सबसे बुरे सियासी दौर से गुजर रही है। कभी देश की सत्ता पर एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस आज वजूद की लड़ाई लड़ रही है। अमेठी वो खो चुकी है, रायबरेली का किला भी खुलता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या राहुल और प्रियंका परिवार की इन दो सीटों को बचाने के लिए आगे आएंगे। स्पेशल रिपोर्ट, TNP न्यूज। स्मृति ईरानी तीसरी बार अमेठी की लड़ाई में उतरी है। 2019 में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को मात दी थी और तीसरी बार स्मृति ईरानी ने अमेठी से पर्चा भरा तो रोड शो के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। अब अगर कांग्रेस फिर से राहुल गांधी को अमेठी से उतारती है तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं और बीजेपी से चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियंका जी, आखिर इतना सस्पेंस क्यों, कांग्रेस पार्टी इतनी देरी क्यों लगा रही है? बीजेपी का कहना है कि कहीं ये देरी इसलिए तो नहीं कि आत्मविश्वास कम हो गया है? देखिए, मुझे लगता है कि आत्मविश्वास अगर किसी का कम हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है, क्योंकि वो मैनिफेस्टो को लेकर जिस तरह से झूठ मंचों से, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे उनके कोई नेता हो, हर तरह से झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज चुप्पी साधे हुए है प्रज्वला रेवन्ना पर। आप देखिए किस तरह से एक बलात्कारी और एक कहना चाहिए कि जो 3000 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करता है, उनका बलात्कार करता है, आज उस पार्टी के साथ भी इन्होंने अपना गठबंधन रखा हुआ। अभी तक जेडीएस के साथ अपना गठबंधन समाप्त क्यों नहीं किया? इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक सीट की जीत के लिए भी पूरी तरीके से बलात्कारियों को भी टिकट देने के लिए तैयार, जबकि इन्हें पहले से पता था कि किस तरह से जो है उसको लेकर इनकी खुद की पार्टी ने इनको चिताया था। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आज अमेठी की जो सांसद है, अमेठी की जो प्रत्याशी है, जो महिला बाल विकास मंत्री है, आज उनकी चुप्पी क्या साबित करती है, उनके दोहरे चरित्र को साबित करती है? सिर्फ दोहरा चरित्र ही नहीं, सिर्फ मैं कहना चाहूंगी कि आज वो जिस पद पर बैठी गरिमा को भी धूमिल करती है। महिलाओं के अपराध पर उनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आना इस बात को साबित करता है कि वो अपने पद की गरिमा को भी बनाने में नाकामयाब है। मैं पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी 400 की सीटों का जो नारा लगा रही है, अब खैर नहीं भी लगा रही है, पर मैं पूछना चाहती हूँ 400 की सीटों का नारा लगाने वाले इनके सांसद जिन्होंने कहा हम संविधान से बदल कर रखेंगे, नहीं तो प्रियंका जी, आप जिस तरह नाकामियां गिना रही हैं बीजेपी की, बीजेपी का यही कहना है कि यदि इतना आत्मविश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी और ये 400 का नारा धूमिल हो जाएगा, तो क्यों फिर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को नहीं उतार रही, राहुल गांधी को चुनौती दे रही है स्मृति ईरानी? देखिए लगातार नहीं, चुनौती तो देखिए मुझे लगता है कि चुनौती वो क्या दे रही है, चुनौती उनको अमेठी की जनता कर दे रही है। तो 13 रुपए के लिए चीनी मांग रही है, वो विकास को ढूंढ रही है, दरवाजा भी मिल नहीं पा रहा। वो बात कर रही है कि जो है जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो प्याज की माला गले में लटका के सड़कों पर बैठा करती थी। महिला अपराध उनको संसद के अंदर फ्लाइंग गेस दिख जाती है, पर वो अपराधी नहीं दिखता। तो 3000 से ज्यादा विश्व का सबसे बड़ा रेपिस्ट है इनकी पार्टी का, जो संयुक्त प्रत्याशी इनके गठबंधन का। ठीक, प्रियंका जी आप बने रहिए, चंद्रमोहन जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, 2004 की बात करें तो राहुल गांधी ने 2 दिन पहले पर्चा भरा था, 2009 में आखिरी दिन पर्चा भरा था और 2014 में 7 दिन पहले पर्चा भरा था। यानी कि ये पूरी हम अगर देखें तो राहुल गांधी एंड मोमेंट पर भी पर्चा भर चुके हैं, तो इस बार इतनी जल्दी क्यों, क्यों बीजेपी इतनी आतुर है कि राहुल गांधी पर्चा भरे, स्मृति ईरानी के सामने आए? नहीं देखिए, ये जो है कांग्रेस का जो भय और जो डर है, डर किस बात का, डर वो है हार का।
उनको पता है कि उन्होंने ना अमेठी में कुछ किया है और ना ही रायबरेली में किया है। जिस प्रकार से 70 सालों से यह अमेठी और रायबरेली का प्रतिनिधित्व ये परिवार करता रहा है, उस हिसाब से रायबरेली का विकास नहीं हुआ है। ये हम लखनऊ में रहते हैं और लगातार रायबरेली और अमेठी में आना जाना हुआ करता है, लेकिन जो विकास 2014 के बाद चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, आज देखेंगे तो रायबरेली में जो इनको करना चाहिए था, हालांकि हम ये नहीं कह रहे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो विकास करने का काम दायित्व भी है, लेकिन जो इनको करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। आज चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो रायबरेली से निकला हो, सर पांच साल से तो अमेठी में आपकी सरकार है, आप जरा अपनी सरकार के काम गिनवा दीजिए। तो अरे वही तो आपको गिनवा रहे हैं। अभी हमने जो गंगा एक्सप्रेसवे लिंक के बारे में बताया वो रायबरेली से होके निकली है। रायबरेली से कानपुर के लिए 6 लेन की सड़क हमारी सरकार में भी बनी है। ठीक, प्रियंका जी जवाब दीजिए। राम पथ का निर्माण अयोध्या जी जाने के लिए हमारी सरकार में हुआ है। रायबरेली से प्रयागराज जाने के लिए जो रोडों का चौड़ीकरण हुआ है और आज जो सड़कें, ठीक ठीक है सर, जवाब भी सुन लीजिए चंद्रमोहन जी, वो हमारी सरकार में हुआ है। विकास तो हुआ है लेकिन विकास कहाँ हुआ है? विकास सिलेंडर के प्राइस में हुआ है, पेट्रोल डीजल के प्राइस में हुआ है, दाल में हुआ है, चावल में हुआ है, आटे में हुआ है, रोटी में हुआ है, ब्रेड में हुआ है, दूध में हुआ है, दही में हुआ है। विकास उसमें हुआ है कि जो आज थाली जो आम आदमी की थाली है वो महंगी हो गई है। खैर विकास तो यहाँ हुआ है और विकास वहाँ भी हुआ है जहाँ चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा भी लिया गया है। विकास वहाँ भी हुआ है कि एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ का चंदा लिया जाता है। आज उस वैक्सीन को लेकर जब देश पूरी तरह से पैनिक है, लेकिन जानना चाहता है कि क्या ये वाकई में जिस तरह की बातें सामने आ रही सच है, तो भारतीय जनता पार्टी की हेल्थ मिनिस्ट्री आज भी पूरी तरह से चुप नजर आती है। विकास हुआ है भ्रष्टाचारियों को भी पार्टी में लेकर, भ्रष्टाचार को पालन पोषण किया गया है, भ्रष्टाचार हुआ है और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो आज भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से घूम कर साफ हो। ये विकास हुआ है बलात्कारियों को बचाने में विकास हुआ है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के संरक्षण में सामने आकर इनके समय में बिल्कुल नहीं इनके ऊपर टीका टिप्पणी किया, ना हमने इनको इंटरप्ट किया, तो इसलिए थोड़ा हमें भी मौका मिल जाए। बिल्कुल बोलिए चंद्रमोहन जी, आपके सवालों का ही आपने कहा विकास हुआ है उसी का जवाब दे रही थी प्रियंका जी, हमें दोनों को सुनना है सर, बोलिए जी। आपने इतनी देर में देखा, इतनी देर में हमारी बहन प्रियंका जी इतनी देर से बोल रही है, लेकिन इन्होंने अभी तक एक भी जो है रायबरेली और अमेठी में किए गए विकास कार्यों की गिनती एक बार भी अभी तक नहीं कराया और अभी तक ये नहीं बताया कि जो है कितनी बार अमेठी में राहुल जी गए, चुनाव जीतने पर कितनी बार गए, वहाँ की जनता से मिले, उनके दुख दर्द को समझा, उनके खेतों में गए, उनके जो है घरों में जो है नल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिजली आ रही है कि नहीं आई, ये कितनी बार वहाँ पर जाकर पता करने गए, उनका दुख दर्द देखने गए और वहाँ के समस्याओं को लेकर सदन में कितनी बार इन्होंने चर्चा की। आप इनसे ये प्रश्न पूछिए कि वहाँ के दुख सुख में कितनी बार ये साथ रहे। और सुनिए और दौर इन्होंने अभी 6 महीना पहले चंद्रमोहन जी सवाल का जवाब भी सुन लीजिए सर, जो है राजनीतिक सूझबूझ नहीं है चंद्रमोहन जी, वायनाड के लोग जो है बहुत सूझबूझ से काम लेते हैं, यहाँ के लोग समझदार है, उत्तर भारत के लोगों को जो है निर्णय नहीं करने आता है, ये है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में वहाँ जाकर भी बांट रहे हैं और उत्तर भारत के लोगों प्रियंका जी पर ये प्रोफेशनल आ रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज वहाँ जो हॉस्पिटल चल रहे हैं वो हमारे कार्यकाल में बनाए गए, सड़कें हमने बनाई, वहाँ पर इंडस्ट्रीज हमने लगाई, हमने वहाँ पर जो है एम्स भी खोला। और मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के आज बाल विकास मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री, उनकी चुप्पी उनके दोहरे चरित्र को भी साबित करती है, महिलाओं के प्रति उनकी उदासीनता असंवेदनशीलता को भी दर्शाती है, महंगाई के प्रति आपकी जो उदासीनता उसको देखकर आज देश की महिलाएं पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ना है,
क्योंकि आप न महंगाई पर बोलते हैं न बेरोजगारी पर बोलते हैं। आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 83% युवा बेरोजगार है। भुखमरी में उत्तर प्रदेश नंबर वन है, बलात्कार महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर वन है, कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और बेरोजगारी में भी उत्तर प्रदेश के आंकड़े सबसे ज्यादा है। क्या कहेंगे आप किस मुंह पर वोट मांगेंगे ये बताइए। क्या जरूरत आज पड़ी कि आज आप अपने मैनिफेस्टो को लेकर सामने ले आते, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में कुछ है नहीं। चंद्रमोहन जी, आप प्रियंका जी ने वैक्सीन का मुद्दा भी उठाया है कि आप तस्वीरें क्यों गायब कर दी गई वैक्सीन की। जब वैक्सीन लगाई जा रही थी तब तमाम वैक्सीन पर और हॉस्पिटल्स में पीएम मोदी की तस्वीर थी। ये सवाल प्रियंका जी, सवाल एक आपसे भी है। आज गुजरात पहुंचे पीएम मोदी, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि अब हमें समझ में आता है कांग्रेस पार्टी का और पाकिस्तान का कनेक्शन क्या है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हारती है तो पाकिस्तान रोता है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन सारे मुद्दों पर चुनाव को घुमाने की कोशिश कर रही भारतीय। चंद्रमोहन जी, सवाल प्रियंका जी से जवाब भी लेने दीजिए, आपको भी मौका दिया जाएगा। चंद्रमोहन जी प्लीज, जो है झूठ का सहारा ले चुके हैं जिसके वजह से वो जेल जा चुके और फिर चंद्रमोहन जी से माफी मांगने के बाद इनको जमानत मिली। चंद्रमोहन जी से ये सिर्फ कांग्रेस पाकिस्तान याद आता है पर चाइना पे चुप्पी क्यों साधे हुए जाति के सच का वो आज चाइना लगातार हमारे गांव के नाम बदल रहा है, देश में आतंकवाद फैलाया। चंद्रमोहन जी, वक्त की बेहद कमी है सर, एक एक करके आप प्लीज जवाब दे तो बेहतर होगा, हम भी आपको सुन पाएंगे। प्रियंका जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास अगर इन्होंने पढ़ा होता तो 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली कांग्रेस पार्टी थी और उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। हमें ना सिखाए देशभक्ति, हमें ना सिखाए ये धर्म, हमें बताएं कि इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने रोजगार कितना दिया। अग्निवीर जैसी योजनाओं का क्या मतलब है? बुजुर्गों को मिलने वाली ट्रेन में छूट, बस में छूट क्यों बंद कर दी गई है? इन सालों सवालों का जवाब दीजिए। आज भी कल की बात कर रही हूँ मैं, कल जो है किसान लोग मजदूर दिवस है, उसके उस दिन भी साफ करते हुए दो श्रमिकों की मौत हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन? ठीक, चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। प्रियंका जी, वक्त की बेहद कमी है, बोलिए सर। नहीं नहीं, देखिए, कांग्रेस का इतिहास तो सब जानते ही हैं कि देश में सत्ता पाने के लिए पहले देश का धर्म के आधार पर बंटवारा किया, उसके बाद सबसे पहला जीप घोटाला भ्रष्टाचार की नींव स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के में रखा गया। सर आप इन्होंने जो है आप देश बात यहाँ अमेठी रायबरेली की हो रही है, आप बहुत दूर चले गए सर। उसके बाद इन्होंने जो है, इनकी सरकार जब भी बनी भ्रष्टाचार बढ़ा, आतंकवाद बढ़ा, तुष्टीकरण बढ़ा, महंगाई बढ़ा, ये तो सिर्फ कांग्रेस आई और ये सब लाएगी। ठीक है, वक्त की कमी है। प्रियंका जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि आज तस्वीर साफ हो पाएगी क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, तस्वीर आपको जल्दी ही साफ हो जाएगी। वैसे भी अभी हार्डली मुझे लगता है कि 15-20 घंटों के अंदर ही सारी तस्वीर आपको साफ हो जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो अब ऐसे में सस्पेंस लगातार बरकरार है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कल तक तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए टीएनपी न्यूज़।